मैं हूँ प्रियंका और मेरे चैनल प्रियंका किचन जोन में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही इजी और बहुत सिंपल तरीके से बनने वाली चॉकलेट सिरप की रेसिपी, जिसे हम बहुत ही आसान तरीके से मात्र 5 मिनट में घर में बना सकते हैं। वैसे तो मार्केट में चॉकलेट सिरप मिलता है जिसे हम हर्षी सिरप भी बोलते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली आता है और इस सिरप को हम मात्र 5 मिनट बनाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं सिंपल सी बनने वाली चॉकलेट सिरप की रेसिपी। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में जो बेल आइकन है इसको भी क्लिक कर दीजिए, इससे मेरी नई नई रेसिपीज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। सब्सक्राइब करना टोटली फ्री है। चॉकलेट सिरप बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक थिक पैन, इसमें डाल देंगे 150 ग्राम पिसी हुई चीनी, नापे कहें तो ये एक कटोरी है। इसमें डाल देंगे हम 80 ग्राम कोको पाउडर, आधी कटोरी छोटी वाली। और कोको पाउडर डालने के बाद में मैं इसमें डाल दूंगी 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर, 1 चम्मच बहुत है, इसे ज्यादा नहीं डालेंगे। और कॉर्नफ्लावर डालने के बाद में मैं इसमें डाल दूंगी 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर, ये ऑप्शनल है, अगर आपको मिल्क डाली नहीं तो इसको स्किप कर सकते हैं। साथ में डाल देंगे 1/2 चम्मच कॉफी पाउडर। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने अभी गैस ऑन नहीं की है तो सबसे पहले सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे हम 100 ग्राम नॉर्मल टेम्परेचर पे, हमने यहाँ पे मिल्क लिया है, मिल्क ना तो ठंडा होना चाहिए ना तो गर्म, नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए। तो 1 कप डाल दिया है मैंने यहाँ पे। सबको पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे गैस मैंने पहले बताया आपको गैस ऑन नहीं है, तो बिना गैस ऑन के सबको पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीजें दूध के साथ में अच्छे से मिक्स हो गई हैं। जब सारी चीजें दूध के साथ में अच्छे से मिक्स हो जाएगी तभी हम गैस को ऑन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने गैस को ऑन कर दिया है और जो आँच है उसको मध्यम यानी लो टू मीडियम हीट पे रखा है। अब हम इसे लगातार चलाते हुए पकाना है। और यहाँ पे मेक श्योर कर लें आप कि जिस भी पैन में आप इसे पका रहे हैं, जिस भी बर्तन में इसे पका रहे हैं, वो बर्तन नीचे तले से थोड़ा सा मोटा होना चाहिए ताकि जब इसे पकाएं तो ये नीचे से बिल्कुल भी जले नहीं, नहीं तो ये बहुत जल्दी जलता भी है। तो इसे हमें लगातार बिना छोड़े इसी तरह से पकाना है। तो यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं, 2 मिनट से इसे मैं पका रही थी, 2 मिनट में ही आप देख सकते हैं कितना थिक हो गया है ये। तो अब इस स्टेज पे हम डाल देंगे इसमें 1 बड़ा टुकड़ा बटर का। बटर मैंने यहाँ पे 2 टुकड़ा लिया है, लेकिन 1 टुकड़े को हम अभी डालेंगे और 1 टुकड़े को यानी 2 चम्मच हमने लिया है यहाँ पे। तो 2 चम्मच लिया लेकिन 1 चम्मच अभी डालेंगे और 1 चम्मच बाद में डालेंगे। और बटर डालने से बहुत अच्छी शाइनिंग आती है, बहुत अच्छा कलर और ग्लॉसीनेस आता है। तो इसको हम लगातार पकाते हुए चलाना है। तो यहाँ पे पकाते हुए मुझे 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट बाद आप इसकी थिकनेस दे सकते हैं। टोटल इसको पकने में हमें 5 से 6 मिनट का समय लग जाता है। तो अब इस स्टेज पे हम गैस को ऑफ कर देंगे क्योंकि इससे ज्यादा इसको गाढ़ा करेंगे तो बहुत ही ज्यादा ठंडा होने में थिक हो जाएगा, ये वो ठीक नहीं रहेगा। तो अब यहाँ पे मैंने गैस को बंद कर दिया है। फिर से 1 स्पून यानी 1 बड़ा टुकड़ा मैंने यहाँ पे बटर डाला है, साथ में वनीला एसेंस की कुछ ड्रॉप डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हमारे सिरप में। और सबको अच्छे से चला लेंगे। इसको हमें लगातार तब तक चलाना है जब तक ये अच्छे से स्मूथ और सिल्की ना हो जाए। तो पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ सेकंड मिक्स करने के बाद में आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितना क्रीमी, कितना स्मूथ हो गया है। बस इतनी ही कंसिस्टेंसी हम इसकी चाहिए, इससे ज्यादा इसको हम बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं करेंगे। चलिए इसको हम बाउल में सर्व कर लेते हैं। तो ये लीजिए हमारा होममेड चॉकलेट सिरप बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसे बच्चों के मिल्क में, केक आइसिंग में, पैनकेक में, जैसे भी आप इसे यूज करना चाहें, बस सिंपल तरीके से बनाइए और इसको यूज करिए। अब मैं इसको दिखाती हूँ कि हम इसे बच्चों के दूध में कैसे यूज करेंगे। तो 1 ग्लास गर्म दूध लीजिए, उसमें अपने बच्चों के टेस्ट के हिसाब से इसमें डाल दीजिए चॉकलेट सिरप। तो मैंने यहाँ 1 स्पून लिया है, सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और बच्चों को चॉकलेट मिल्क तो बहुत ज्यादा पसंद आता है, उनका फेवरेट होता है। बस सिंपल तरीके से घर में बने हुए चॉकलेट सिरप से हम बच्चों को चॉकलेट मिल्क बना के, चॉकलेट मिल्क शेक बना के बहुत चीजें बना के दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है, इसमें हम बनाएंगे अपना चॉकलेट मग केक। इसके लिए मैं इसमें डाल दे रही 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल, आप चाहें तो मेल्टेड बटर भी डाल सकते हैं। साथ में डाल देंगे होममेड कंडेंस मिल्क, और इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर शेयर की है, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक शेयर कर दूंगी। साथ में डाल देंगे 4 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडेंस मिल्क किया है, ये भी मीठा होता है, इसे मैंने
चीनी 4 टेबल स्पून ही ली है। अब हम इसको 1 मिनट तक के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छे से ये फ्लफी हो जाए। चलिए इसको 1 मिनट तक के लिए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। 1 मिनट बाद आप देख सकते हैं जो हमारा बैटर है कितने अच्छे से फ्लफी हो गया है। अब इसको थोड़ा सा लिक्विडी करने के लिए मैं इसमें ऐड कर दूंगी दूध। तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर पे 1 कप दूध लिया है, लेकिन इसका भी हाफ पार्ट ऐड करेंगे इसमें। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए हमारा लिक्विड पार्ट बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो सबसे पहले लेंगे एक स्ट्रेनर, इस पर डाल देंगे 1 कप मैदा, नाप के कहें तो 200 ग्राम है। और मैदा डालने के बाद में मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 टेबल स्पून कोको पाउडर, साथ में ऐड कर देंगे 1-2 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर और 1-2 टेबल स्पून खाने वाला सोडा, मीठा सोडा, और 1 चुटकी नमक, क्योंकि चॉकलेट केक के साथ में नमक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो 1 चुटकी डालने के बाद में इसको अच्छे से स्ट्रेनर कर लेंगे, छान लेंगे। और सब कुछ छानने के बाद में जितना भी लिक्विड पार्ट है सबसे पहले हम इसमें मिक्स कर लेंगे अपने बैटर को। तो जब भी आप केक बनाए मेक श्योर कर लें जब आप इसको मिक्स करें तो कट टू फोल्ड का ही मेथड अपनाएं। इससे आपका जो केक है बहुत ही अच्छा बनता है और बहुत ही अच्छे से बेक, स्टीम, जो भी आप करना चाहें हो जाता है। तो इस तरह से पहले इसको फोल्ड करेंगे फिर कट करेंगे, यही मेथड बिल्कुल सही होता है। तो चलिए हम इसको पहले मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। अब मैं इसमें जो बचा हुआ दूध था हाफ कप वो ऐड कर दे रही हूँ क्योंकि बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। तो इसको मिक्स कर लेंगे कट टू फोल्ड की हेल्प से। तो ये देखिए हमारा बैटर बनके बिल्कुल रेडी हो गया, कितना फ्लफी और कितना क्रीमी है, और इसकी जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब इसमें डाल दूंगी कुछ ड्रॉप्स वनीला एसेंस की। अब अपने बैटर को और ज़्यादा टेस्टी और क्रीमी बनाने के लिए मैं इसमें 1 डेयरी मिल्क चॉकलेट ऐड करूंगी। इसको इस तरह से हम क्रश कर लेंगे, ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालिए, तो इसको स्किप कर सकते हैं। खाली कोको पाउडर से भी बहुत टेस्टी बनता है, लेकिन इसको एक्स्ट्रा क्रीमी और एक्स्ट्रा चॉकलेटी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे डेयरी मिल्क को इस तरह से क्रश कर लिया है। जब ये धीमे धीमे हमारे मग में स्टीम होगा और बहुत ही मेल्टी और चॉकलेटी टेस्ट आएगा। इसको पहले हल्के हाथों से हम पहले मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा चॉकलेट मग केक का जो बैटर है बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको हम स्टीम कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैंने घर में जो टी कप होते हैं वो ले लिया है, साथ में सॉल्ट ग्लासेस ले लिए हैं। नॉर्मली जब हम मग केक बनाते हैं तो हम सोचते हैं हमारे पास माइक्रोवेव सेफ कप नहीं है, तो क्योंकि इसमें चटकने का डर रहता है, नॉर्मल टी कप होते हैं। लेकिन आज मैं आपको जो रेसिपी बता रही हूँ उसमें आप नॉर्मल जो चाय के कप होते हैं उसमें आप स्टीम कर सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट स्टीम होंगे और आपका जो कप होगा वो भी ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से नॉर्मल स्टीम नॉर्मल कप में आप कैसे स्टीम करें तो आगे मैं आपको बताऊंगी। तो पहले इसको हम सबको फिल कर लेते हैं। तो हाफ हाफ हम फिल करेंगे क्योंकि स्टीम होके ये ऊपर तक फिल हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने सारे कप्स में और ग्लासेस में फिल कर लिए हैं, इस तरह से पूरा नहीं फिल करना है। अब हम इसको स्टीम कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है, जो भी आप बर्तन लें नीचे से फ्लैट होना चाहिए वो। अब मैं इसके ऊपर रख दूंगी नैपकिन। तो मैंने यहाँ पे 2 नैपकिन को एक साथ जोड़ लिया है और इसको इस तरह से फोल्ड करके बीचों बीच में रख देंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट अगर कप को इसमें रखेंगे तो कप के चटकने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि अगर आप नॉर्मल जो टी कप होते हैं वो, कि वो बहुत हल्के होते हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी पानी, तो मैंने 1 ग्लास थोड़ा सा कम डाला है। अब हम गैस को ऑन कर देंगे, हल्का सा पानी को बॉयल होने देंगे। देखिए जब पानी हल्का हल्का सा बॉयल होने लगेगा तो नैपकिन के ऊपर ही हमको अपने कप रखने हैं इस तरह से, क्योंकि डायरेक्ट अगर हीट लगेगी तो ये क्रैक हो सकते हैं, तो इसके ऊपर ही हम रख देंगे। अगर आपके पास नैपकिन नहीं है तो आप नॉर्मल जो न्यूज़पेपर होते हैं उसको भी ले सकते हैं, कुछ भी अगर कागज़ रख दीजिए, बिल्कुल डायरेक्ट न रखिएगा। तो इस तरह से रखने के बाद में हमें आँच को लो टू मीडियम ही रखना है, ना तो बहुत ज़्यादा हाई ना तो बहुत स्लो। अब हम इसको कवर कर देंगे और कवर करने के बाद ये 15 मिनट यानी 15 मिनट में पक के तैयार हो जाएगा, लेकिन मैं आपको 10 मिनट बाद इसको दिखाती हूँ कि क्या इसकी कंडीशन है। चलिए छोड़ देते हैं 10 मिनट्स के लिए। 10 मिनट्स बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए हमारा कप केक कितने अच्छे से फूलने लगा है, लेकिन अच्छे से भी कुक नहीं हुआ है। तो मैं इसको कवर कर दे रही हूँ और 5 मिनट्स के लिए और छोड़ देते हैं। 15 मिनट्स ओवर हो गए हैं। तो ये देखिए हमारा कप केक बन के बिल्कुल रेडी हो गया है, सॉरी मग केक भी कह सकते हैं इसको। और देखिए परफेक्ट स्टीम हुआ है, तो बिल्कुल कच्चा नहीं है अंदर से। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी और इसी में इसको ठंडा होने देंगे क्योंकि कप बहुत ज़्यादा गर्म है। उसके बाद मैं इसको हल्का सा ट्रिम कर दूंगी,
तो देखिए मैंने कप केक में जो ऊपर से फूल गए थे मैंने इसको हल्का हल्का ट्रिम कर दिया है, क्योंकि जो हमने चॉकलेट सिरप बनाया है उसके ऊपर अच्छे से पोर करें उसके लिए मैं इसको कट कर दिया था ताकि देखने में भी अच्छे लगे। तो देखिए जो मैंने फ्रीजर में हाफ आवर के लिए चॉकलेट सिरप रखा था कितने अच्छे से थिक हो गया है, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसको एक एक करके अपने कप में पोर करेंगे। बहुत ही टेस्टी और माउथ वाटरिंग हमारी ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। अगर बच्चों का कुछ डिफरेंट खाने का मन है या कुछ खुद भी कुछ डिफरेंट खाने का मन है तो बनाइए, 15 मिनट्स में आपका चॉकलेट मग केक बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगा। थोड़ी सिल्वर बॉल डाल देंगे इसके ऊपर तो देखिए कि लग रहा है ना कितना डिलीशियस। तो ये देखिए हमारा चॉकलेट मग केक 15 मिनट से बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। अगर आपके पास माइक्रोवेव कप नहीं है तो भी आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट आपकी चॉकलेट मग केक की रेसिपी 15 मिनट से बनके रेडी हो जाएगी। चलिए अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। वाओ देखिए कितनी स्मूथली हमारा स्पून हमारे केक के अंदर चला जा रहा है, बिल्कुल परफेक्ट स्मूथ और मॉइस्ट हमारा चॉकलेट मग केक बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। तो जाइए फटाफट अपने किचन में और इस रेसिपी को ट्राई करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका ये चॉकलेट मग केक कैसा बना। तो मैं तो इसको अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर रही हूँ, आप भी बनाइए और एंजॉय करिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और इसी तरह से प्रियंका किचन जोन को देखते रहिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।